पचमढ़ी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हिल्स स्टेशन और इस वर्ष 2024 की नागद्वार यात्रा की अर्जेंट लगातार मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। अभी सभी ऑफिशियल विजिट हो चुका है, निरीक्षण दल अपने अपने काम में भी लग चुके हैं। नागद्वार यात्रा भयंकर कठिन होती है, जैसे कि अमरनाथ की यात्रा होती है उससे भी भयानक कठिन यात्रा नागलोक नागद्वार शिव शंभु महाकाल की यात्रा पचमढ़ी में होती है। ये बहुत कीमती यात्रा है, बड़ी मुश्किल से 8 से 10 दिन या 15 दिन के लिए यात्रा खुलती है, स्पेशल सावन के महीने में। अब इस वर्ष अर्जेंट सूचना मैं आपको बता देता हूँ और कुछ आपको जैसे कि पता ही है, कुछ एक झलक नया नागद्वार यात्रा के पहले मैं आपको हर साल दिखाता हूँ, तो कुछ फुटेज झलक आपको कि माहौल क्या है वो भी आप देख सकते हैं। कई सारे मंडल अपने अपने मंडल को देखना चाहते हैं कि कुछ ज़्यादा टूट फूट तो नहीं हुई, हवा पानी तूफान भयंकर आता है। तो अभी तक के जो 2024 जून का अभी महीना चल रहा है और नागद्वार यात्रा की तैयारी लगातार सभी दल टीम के द्वारा चालू कर दी गई है। सभी अधिकारियों का निरीक्षण भी 1-2-3 बार हो चुका है। अब इसमें सबसे पहले जो जानकारी है पानी की, अभी तक पहली बारिश भी भयानक नहीं हुई है, बहुत कड़क तेज धूप तप रही है। हल्के फुलके पिपरिया पचमढ़ी सतपुड़ा टाइगर में फवारा आया है, लेकिन पहली बारिश अभी ढंग से नहीं हुई है, तो पानी की बहुत ज़्यादा अभी समस्या है। आई होप हम आशा करते हैं भोले शंकरा से कि भयानक बारिश होगी, तो जितनी तेज बारिश जितना पानी आएगा उतनी यात्रा बहुत ही सुपर फास्ट चलती है। ये यात्री आप कमेंट करके नीचे मुझे ज़रूर बताएं कि पानी और यात्रा का कनेक्शन क्या है। अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट पर जल्दी से। 28/6/2024 को नीलामी रखी गई है। ये नीलामी का मतलब कई लोग नहीं समझेंगे, लेकिन मंडल कावड़ पैदल यात्री समझ जाते हैं, तो थोड़ा ही सूचना देना यात्रा वीडियो फिल्म में जरूरी है। मैं आपको जैसे कि पता ही है हर साल नागद्वारी का चप्पा चप्पा के आपको ऑफिशियल जानकारी आपको यूट्यूब सिस्को टेक चैनल पर ही मिलेगी। 28/6/2024 का जो नीलामी का सूचना है वो आपको मैंने पहले ही फेसबुक व्हाट्सअप ट्विटर स्टेटस पर लगा दिया है, जो कि मुझे लगता है सभी ग्रुप में वो फैल गया होगा जो मंडल होता है। तो जो भी इच्छुक हो, नीलामी का मतलब है कुल मिला के जैसे कि पार्किंग व्यवस्था, चढ़ोतरी स्थल की व्यवस्था, उसके बाद दुकान और लॉट ऑफ सिचुएशन रहती है। तो 28/6/2024 को 12 बजे तक सूचना पटल तहसील कार्यालय पचमढ़ी महादेव मेला समिति पचमढ़ी पर भी सूचना पटल पर लगा दिया है, तो जो भी इच्छुक हो इस बोली में या नीलामी में भाग ले सकते हैं। दूसरा आते हैं कि सभी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण भी हो चुका है, जो अभी तक के ड्राफ्ट फाइनल डेट हुई है नागद्वार यात्रा पब्लिक 1 अगस्त 2024 से 10 अगस्त तक लगातार महाकाल महादेव की यात्रा इस साल चालू होगी। कई लोग पूछ रहे हैं कि अभी लेटर नहीं मिले, तो लेटर की आप चिंता ना करें, ऑफिशियल लेटर अभी शेड्यूल हो रहे हैं, अभी छापे नहीं हैं। अगर यात्रा में कुछ 1-2 दिन आगे पीछे बदलाव भी होता है तो आपको जानकारी तत्काल सूचना वीडियो के माध्यम से भी दी जाएगी, और व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर सभी का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लें ताकि आपको नागद्वार का हर अपडेट मिलते रहेगा। कुछ साल ऐसा हुआ भी है कि यात्रा की तारीख आ जाती है तो उसमें 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है, वो सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है। बारिश पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि बारिश धोखा दे, बारिश खूब होगी, भोलेनाथ की कृपा है। तो 1 अगस्त से 10 अगस्त 2024 तक पब्लिक नागद्वार यात्रा चालू हो जाएगी, जो कि भयानक भीड़ रहेगी और पैर रखने को जगह नहीं रहती है नागद्वार यात्रा 2024 में। हर साल जैसे कि मैं आपको चप्पा चप्पा दिखाता हूँ, जैसे कि आपको हम लाइव अभी दिखा भी रहे कि इस वर्ष 2024 में नागद्वार जंगल के अंदर भोले शंकर का जो एरिया है, माहौल क्या है, कितना हरा जंगल है, कितना पानी की समस्या है, ये सभी मैं आपको अब लगातार कवरेज देते रहूँगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। अगर इस यात्रा में अभी ऑफिशियल लेटर जैसे ही आते हैं वो भी आपको जानकारी मिल जाएगी, अगर इस यात्रा में कुछ 1-2 दिन आगे पीछे बदलाव या चेंजेस होता है मान के चलो, तो आपको तो भी ऑफिशियल लेटर के द्वारा व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब कम्युनिटी बॉक्स में मैं
तत्काल डाल दूंगा, यह वीडियो भी आपको तत्काल ही जरूर जल्दी मिल जाएगा। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पर, नागद्वार मंडल। मंडल का मतलब जो सेवा करते हैं, भक्तों को खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं मुफ्त में, उनके लिए भी एक थोड़ा सा अपडेट देख लेते हैं। वैसे तो महादेव मेला की तरफ से 20 तारीख, जी हाँ 20 जुलाई से महादेव मेला की तरफ से एक डिमांड रखी गई है कि मंडलों को एंट्री मिलना चाहिए, और मंडल भी काफ़ी प्रेशर डाल रहे हैं ताकि वो अपना मेंटेनेंस कर ले, भोजन की व्यवस्था करे। लेकिन अभी अधिकारियों के द्वारा 27 तारीख यानी कि 27 जुलाई 2024 से एंट्री मिलेगी, या तो हो सकता है 25 जुलाई 2024 से मंडलों को जंगल की तरफ अंदर एंट्री मिल जाएगी ताकि वो अपनी व्यवस्था कर ले। इसका भी अभी लेटर ऑफिशियल नहीं बना है, जब भी लेटर आएगा या कुछ इसमें आगे पीछे तारीख होती है तो ये भी आपको तत्काल व्हाट्सएप फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सूचित किया जाएगा, और पेपर में तो आता ही आता है। अब आते हैं मंडल की, जो हर साल एक न्योता भेजा जाता है, एक मीटिंग होती है कलेक्टर सर मैडम के साथ या समस्त पूरे बड़े बड़े छोटे अधिकारियों के साथ, वो उसकी जो तारीख है वो मुझे लगता है जुलाई के पहले हफ्ते में हो सकती है, या हो सकता है इस नीलामी के दिन 28 तारीख को ही अधिकारी अगर बोल दे तो उसी दिन वो पूरा मंडलों की मीटिंग हो जाएगी, और पूरा उसमें यात्रा का परेशानी शेड्यूल मंडल लोग अधिकारी को बताते हैं, और वो फाइनल नागद्वार यात्रा की डेट और मंडलों को एंट्री की परमिशन मिल जाती है। मैंने आपको एक शेड्यूल ड्राफ्ट फाइनल जो तारीखें अधिकारियों ने बताई है वो आपको बता दी है। अब मंडल को अभी तक मीटिंग वैसे हुई नहीं है, जुलाई का पहला हफ्ता पक्का लग रहा है, या हो सकता है इस हफ्ते भी 28-29 तारीख को आपको लेटर मिल जाए कि मंडलों को सभी को मीटिंग में बुलाया है। अब सभी मंडल अपनी अपनी परेशानी वहां बताएंगे, उसके बाद नागद्वार यात्रा की पूरी तैयारी कन्फर्म हो जाती है। लेकिन तारीख यात्रा की लगभग कन्फर्म ही है, 1 अगस्त से 2024 से 10 अगस्त 2024 तक, और मंडलों को काफ़ी पहले परमिशन मिल जाएगी, ऐसी कोशिश सभी की रहेगी ताकि वो सेवा भगत की सेवा में अपना ज़्यादा समय और योगदान दे। ठीक है, अभी जितने भी ऑफिशियल लेटर हैं, अभी कोई भी लेटर जारी नहीं हुए हैं, जैसे जैसे लेटर जारी होते हैं आपको तत्काल सूचित भी किया जाएगा और बताया भी जाएगा समस्त मंडलों को। मेरा उम्मीद है कि जुलाई में मीटिंग हो जाएगी और फिर पूरी कन्फर्म डेट ऑफिशियल लेटर आपको सभी को भेज दिए जाएंगे। अब आते हैं पब्लिक के लिए, पब्लिक के लिए आप चिंता ना करें, ये जो यात्रा की 1 अगस्त की डेट है लगभग कन्फर्म ही रहेंगी, कुछ आगे पीछे मान के चलो एक दो दिन होता भी है तो एक दिन दो दिन ही आगे पीछे होगा, जो आपको मैं तत्काल वीडियो फुटेज के माध्यम से और सीधे लाइव आकर भी जानकारी दूंगा। ठीक है, ये था कुछ अपने मेन इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि नीलामी की सूचना, मंडल की सूचना, मंडल की मीटिंग की सूचना, और नागद्वार यात्रा की कन्फर्म तारीख की सूचना। ठीक है, और भी कोई आपके सवाल सुझाव हो तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो भी नागद्वार यात्रा में आपको सजेशन सुझाव है, महादेव जी की इतना अद्भुत खूबसूरत नगरी है, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि यात्रा के पहले भी एक झलक आपको दर्शन करा दूँ भोले शंकर की, क्योंकि हर टीम मंडल अलग अलग अपना अपना व्यवस्था में लग जाती है, क्योंकि ये नागद्वार यात्रा भयंकर कठिन होती है, भयंकर बारिश में ये यात्रा चालू होती है, ये भी आपको ध्यान रखिए, और सभी यात्रियों को एक साथ आराम से मिलजुल कर के यात्रा करना पड़ेगा क्योंकि भयानक बारिश होती है और महिलाएं और बच्चे बहुत ज़्यादा इस यात्रा में मन्नत के लोग आते हैं, तो आपको सभी को मिल के यात्रा को बड़े आराम से, पिछले साल बहुत ही भयानक सुपर यात्रा हुई थी उस हिसाब से आपको सभी को ध्यान रखना है, शराब दारू अवैध शराब पन्नी ये सब कुछ भयंकर कड़क बैन रहेगा, ध्यान रखें तो जंगल को भी नुकसान ना हो, ये सभी बातें का आपको ध्यान रखें, इसलिए मैंने पार्ट 1 रिलीज कर दिया है जिसमें और भी बारीकी से बड़ी बड़ी छोटी छोटी जानकारी दे दी है। इस यात्रा फिल्म को देखने के बाद आप पार्ट 1 भी चेक करें, अब आप सीधे आपको लाइव कवरेज में आपको पार्ट 2 के बाद, जैसे ये पार्ट 2 है, अब पार्ट 3 में और लाइव कवरेज दर्शन आपको यात्रा के पहले भी मिलते रहेंगे। अभी के लिए मैं आपसे अलविदा विदा लेना चाहूँगा, थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद, हर हर महादेव।